इंडोनेशिया में गुर्दों की बीमारी में मुब्तला होकर मरने वाले बच्चों की तादाद 133 हो गई है। इंडोनेशिया की वजारत सेहत ने एक बयान में कहा है कि बच्चों में गुर्दे की तकलीफ के अब तक 241 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 133 बच्चे बीमारी के सबब जान की बाजी हार चुके हैं। इंडोनेशिया ने गुज़श्ता रोज बच्चों की अमवात के बाद खांसी के तमाम शरबत और खांसी के लिए इस्तेमाल होने वाली हर किस्म की नए अदवियात पर पाबंदी लगा दी थी। हकाम के मुताबिक खांसी के कुछ शरबत में नजर सेहत और जहरीले अज्जा पाए गए हैं। इंडोनेशिया में ये पाबंदी आलमी अदारा सेहत के जारी अलर्ट के बाद लगाई गई। इसमें शबा जाहिर किया गया है कि अफ्रीकी मुल्क गैम्बिया में 70 बच्चों की अमवात का ताल्लुक भारत से आने वाले खांसी के शरबत से है, जिनमें नजर सेहत अज्जा का इस्तेमाल हुआ है, जो बच्चों में गुर्दों की बीमारी का सबब बन रहे हैं। मामले से मुतालिक आलमी अदारा सेहत और भारतीय हकाम की तहकीकात जारी है।